मैं सरकार से ये कह रहा हूँ कि जैसे आज दारू फ्री बंद करी है, ऐसे यार राशन फ्री ना कर दे, बिजली है फ्री है, बंद ना कर दे सरकार, क्योंकि लोगों ने दिक्कत आ जाएगी। मुझे दारू से दिक्कत आई है, लोगों ने और चीज़ों से भी दिक्कत आएगी। केजरीवाल सरकार कहती है हम बीजेपी के दबाव में कहीं ना कहीं उसने फैसला लेने का किया, तो आप किस बारे में क्या सोच रहे हैं, बीजेपी का दोष है या फिर केजरीवाल का? और दबाव में तो भाई इस्तीफा दे दे, चले जा, किसी और बना देंगे नेता। ये जनता को पागल बना रहा है और ये बनाता आ रहा है, और आगे मैं बता रहा हूँ ये जनता की ऐसी बजा के जाएगा, जनता का नेताओं से विश्वास उठ जाएगा। अभी केजरीवाल लेडीज के लिए बस फ्री, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली फ्री, पानी फ्री, अगर ये यही नहीं मेरी बात सुनो, यही सब सरकार वाले पागल बनाना शुरू करते हैं, हम पागल बनने के लिए तैयार हैं। नौकरी पे से घर जाता है, जनानी घर नहीं मिलती है, लेडीज घर नहीं मिलती है उसको, सब सरकार वाले शुरू करते पागल बनाने के लिए, तो हम पागल बनने तैयार हैं। जब शराब थी जब भी बुरा था, वो अब बंद कर दी अब भी बुरा है। जहाँ शराब बंद है वहाँ जहर मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बोल रहे आप? स्वागत है आपका दी घंटा में, मैं हूँ आपके साथ अहमद समीर। दोस्तों आप सभी को पता होगा दिल्ली सरकार ने आखिरकार पुरानी शराब नीति को फिर से लागू करने का फैसला लिया। जी हाँ, उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से फिर से पुरानी नीति को फिर से लागू किया जाएगा, और इसी बीच हम यहाँ जनता के बीच मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में वो क्या सोचते हैं। हालाँकि जो नई नीति थी इसके तहत कई सारे अच्छी चीज़ें भी थी, जैसे कि आप कह सकते हैं इसमें सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था, पहले 6000 करोड़ रेवेन्यू थी, अब जो कि बढ़कर 9000 रेवेन्यू हो जाता। तो इसी बीच हम जनता से जानेंगे और उनसे जानने का प्रयास करें आखिर इस मसले को लेकर वो क्या सोचते हैं। मैं सरकार से ये कह रहा हूँ कि जैसे आज दारू फ्री बंद करी है, ऐसे यार राशन फ्री ना कर दे, बिजली है फ्री है, बंद ना कर दे सरकार, क्योंकि लोगों ने दिक्कत आ जाएगी। मुझे दारू से दिक्कत आई है, लोगों ने और चीज़ों से भी दिक्कत आएगी। लोगों ने जो शराब के मुद्दे लोगों ने तो उठाए थे, जब तो बंद करी है, अब राशन के तो किसी को सबको चाहिए राशन, हर चीज़ खाने पीने की चाहिए, वो उसका विरोध क्यों करेगा? और शराब की विरोध करी थी इसलिए बंद करी है, विरोध करने के बाद जो लोग दारू पी रहे हैं उनके लिए फायदा था, 1 की 2 मिल रही थी, ठीक था वो, लेकिन नहीं गलत काम कर दिया केजरीवाल ने। बाकी इसके चक्कर में बिजली पानी है फिर ये बंद ना कर दे सरकार, लोगों को उससे उसका विरोध कर रहा था यार, उसी से फायदा लोग क्यों करेगा? मैं उसका विरोध कर रहा था लेकिन सरकार ने वो बंद नहीं किया, दारू बंद कर दी। केजरीवाल सरकार कहती है हम बीजेपी के दबाव में कहीं ना कहीं उसने फैसला लेने का किया, तो आप किस बारे में क्या सोच रहे हैं, बीजेपी का दोष है या फिर केजरीवाल का? और दबाव में तो भाई इस्तीफा दे दे, चले जा, किसी और बना देंगे नेता, दबाव वाले नेता तो चाहिए ही नहीं। उनके पीछे सीबीआई इन सब का छापा पड़ने वाला था, मनीष सिसोदिया को भी सबकी सरकार तो भाई छापे से कौन डरेगा? मेरी केजरीवाल सरकार डर तो गई ना, इसलिए तो अपना डर गई, तो भाई कुर्सी छोड़ दे, दूसरा आएगा कोई ढींगरा बैठाएंगे, जाके लाठी में दम होगा, मजबूत नेता होगा। और तू अफसर है के पटोले को है के डर रहो, तू कानून है जान रहो, संविधान ते देश चल रहो है, तू चला अपनी नहीं, तू ईडी तो डर क्यों रहा भाई? यानी जनता को शराब फ्री में चाहिए, 1x1 फ्री चाहिए भाई। राजधानी में सीएम है जो बैठा है राजधानी में, वो डर रहा है, तो जनता के पास क्या मैसेज जा रहा है? जब मुख्यमंत्री डर रहा है तो भाई तो क्या लगता है, डर से ही फैसला लिया गया, डर से फैसला लिया गया है बीजेपी से? नहीं, ये जनता को पागल बना रहा है और ये बनाता आ रहा है, और आगे मैं बता रहा हूँ ये जनता की ऐसी बजा के जाएगा, जनता का नेताओं से विश्वास उठ जाएगा। ये जो फ्री फ्री के चक्कर में जिन्होंने ये बना दिया ना, अगर ये गलती से फ्री बंद कर दे तो ये दिल्ली में दिखाई नहीं देगा, यूपी में जाएगा। अभी केजरीवाल लेडीज के लिए बस फ्री, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली फ्री, पानी फ्री, अगर ये यही नहीं मेरी बात सुनो, यही सब सरकार वाले पागल बनाना शुरू करते हैं, हम पागल बनने के लिए तैयार हैं। नौकरी पे से घर जाता है, जनानी घर नहीं मिलती है, लेडीज घर नहीं मिलती है उसको, सब सरकार वाले शुरू करते हैं पागल बनाने के लिए, तो हम पागल बनने तैयार हैं, पागल बनने के तैयार, सब सरकार वाले शुरू करते हैं। परिवार खराब है, मैं बता रहा हूँ। तो शराब से परिवार खराब नहीं होता है क्या? शराब से परिवार खराब नहीं होता जब आप शराब पीते हो तो? मैंने भाई साहब मैं कह रहा हूँ, जब जो फ्री वाला सौदा है, जनता गरीब आदमी दारू पी रहा है उसको फ्री कर दिया, ठीक है, तूने जब बिजली कर दी वे कर दी, तू दारू को ही बंद क्यों कर रहा है? तो उन सबको भी बंद कर, मैं तो वो चीज कह रहा हूँ। और सुनो, फ्री वाली फैसिलिटी मेरे पास ना तो मैं हरियाणा में ले रहा ना ले रहा दिल्ली में, ठीक है, और रही बात उसकी जो ले देगा तो उसको मैं लूंगा भी नहीं। विरोध भी तुम ही करने वाले थे उसके शराब का, विरोध भी तुम ही करने वाले, यहाँ ही सब विरोध करने वाले थे भाई साहब, विरोध करने वाले भी शराब का विरोध करने वाले थे, बंद हो गई नहीं उसका तो यह है, अच्छा करे वो बुरा, बुरा करे जब बुरा, जब जब शराब जब चल रही, जब शराब थी जब भी बुरा था, वो अब बंद कर दी अब भी बुरा है। सीधी बात, ना हमें राशन फ्री चाहिए, ना हमें बिजली फ्री चाहिए, ना हमें पानी फ्री चाहिए, ना सेंटर गवर्नमेंट से हमें अपने कार्डों में 1000 रुपया फ्री चाहिए। अरे मेहरबानी करके शिक्षा फ्री कर दो बस। केजरीवाल तो शिक्षा तो फ्री कर ही रही है,
मैंने खुद देखा है, जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल इस दिल्ली के इतने अच्छे हो गए जो प्राइवेट में निकल गए गवर्नमेंट में। खाली क्लास बनाना स्कूल के, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, खाली क्लास बना देना। 500 स्कूल बोले थे, 500 स्कूल में से बता दो कितने स्कूल बनाए गए। खाली 20-20 लाख के एक एक कमरे बनाए जा रहे हैं, 20-20 लाख के कमरे बनाए। पढ़ाई नहीं हो रही, आप कहने का मतलब पढ़ाई नहीं, क्वालिटी नहीं हो रही। बस केजरीवाल तो कहते मेरा एजुकेशन देश में नंबर वन है। मैं वही रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, 10वीं के रिजल्ट में दिल्ली जो है 10वें टॉप 10वें राज्य से भी बाहर है। शिक्षा व्यवस्था अगर बढ़िया होती तो टॉप 10 में होना चाहिए था। केजरीवाल केवल क्लास बना रहे, 20-20 लाख के एक एक कमरे। भाई साहब 5 कमरे बन जाए, एक कोठी बन जाए 1 करोड़ की। भाई अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक तो जाओ यार, सुन तो लो भाई, अरे रुक तो जाओ यार भाई। केजरीवाल 20 लाख रुपए एक स्कूल पे लगा रहा है, बीजेपी वाले ने। अरे रुक तो जाओ, वो तो कहेगा। अरे रुक तो जाओ यार, बोलने तो दो, जवाब तो देने दो। एक कमरे पे 20 लाख लगा रहा है, उसके जैसा एक स्कूल पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में बताओ। एक सेकंड, किसी राज्य में बताओ उसके जैसा एक स्कूल। उसके जैसा स्कूल दिल्ली का ऑलरेडी स्कूल बढ़िया था। कौन सा? अरे यार ऐसी बात नहीं है, किसी और राज्य में बताओ, नहीं मैं दिखाऊं, मैं सबूत दिखाऊंगा। बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, सुनो, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, न्यूज पे देख लो, इतना पानी भरा, बच्चे कूद के नहा रहे हैं। ऐसा स्कूल चाहिए? एक आध स्कूल के एक्सेप्शन है, इतने बड़े प्रदेश में एक स्कूल दो स्कूल की फोटो ले आते हो। तुमने भी एक स्कूल में स्विमिंग पूल बनाया और पूरे दिल्ली में पोस्टर लगा दिए, दिल्ली के सारे स्कूल में स्विमिंग का विकास मॉडल। केवल एक स्कूल में, एक स्कूल में स्विमिंग पूल बनाया, पांडव नगर के, पांडव जितने के पोस्टर लगाए, जितने के पोस्टर लगाए, एक स्कूल में स्विमिंग पूल बनाया। सारे बच्चे दिल्ली के, अगर 5000 स्कूल है, 5000 स्कूल में स्विमिंग पूल है, कोई एक बता दे। ये मध्य प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों की, अभी NDTV में न्यूज चली 5 दिन पहले सुनो, NDTV पे चली, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यही केजरीवाल की नीति है, शराब की नीति। अगर इतनी अच्छी थी फिर बाइकआउट क्यों किया? इतनी अच्छी अगर शराब, तो कह रहे केंद्र सरकार के दबाव में किया जा रहा है ये बात। पब्लिक आपको, आपको जनता ने बिठाया, पब्लिक ने विरोध किया। आप जरा ये भी बता दो, एक सेकंड यार बोलने दो किसी एक को। आप जरा ये भी बता दो, जो 1000 रुपए श्रम विभाग वाले कार्ड में डाले गए थे इलेक्शन से पहले, खाली यूपी में ही मजदूर है? इलेक्शन से पहले जो सेंटर गवर्नमेंट ने डाले थे, वो कौन सा चंदन था? हरियाणा में भी आए, वो कौन सा चंदन? वही तो दिल्ली में करना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन सा चंदन? स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सा चंदन? मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री सरकार ने, सरकार राज्य सरकार की कमी है। अच्छा, ये राज्य सरकार की वजह से, ये तो केजरीवाल तो 1000 रुपए महिलाओं के लिए केंद्र से मांग रहा था, वो तो शुक्र है मोदी सरकार ने दिया नहीं। अरे इनको इतना कुछ फ्री दे दिया और 1000 रुपए भी दो इनको, भाई कति भी नो हाथ जोड़ो। रुपए दिया जाए नहीं दिया जाए वो अलग बात है, वो डायरेक्ट अगर बैंक ट्रांसफर में हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन लेकिन राजस्व विभाग का नुकसान, जो दारू में राजस्व विभाग का जो नुकसान है, 150 करोड़, 140 करोड़ का जो नुकसान हुआ, ये चीफ सेक्रेटरी ने खुद नोट किया है, ये केजरीवाल के चीफ सेक्रेटरी ने। कोई फ्री का चंदन नहीं है, राशन भी गरीबों को बांटा जा रहा है, राशन भी गरीबों को बांटा जा रहा है, अगर महिलाओं को दिया जा रहा है, विधवा को दिया जा रहा है, वो फ्री का चंदन की बात नहीं है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है उनके, वो 1000 रुपए की बात नहीं है। 1000 रुपए कौन सा चंदन? 1000 रुपए उनके डायरेक्ट बेनिफिट में जा रहा है, व्यक्तियों के व्यक्तिगत बेनिफिट में जा रहा है। अगर सब्सिडी नहीं, देश का टैक्स है, लेकिन जो बिजली और पानी और फ्री दारू, मेरा ये मानना है कि बिजली पानी में पैसा ले। अच्छा पानी की बात है, मैं ये कह रहा हूँ पानी फ्री में ना दो, लेकिन पानी दो। आज दिल्ली में पानी दिया ही नहीं जा रहा है, वो तो शराब जगह का पानी की बात, जगह जगह शराब जरूर होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन पानी की डिलीवरी नहीं हो रही दिल्ली में, जगह जगह पानी की डिलीवरी नहीं हो रही, टैंकर मंगाया जा रहा है, लोग अपने आप पैसे दे रहे हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा था कि राशन होम डिलीवरी का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर परमिशन नहीं दी, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो मिल जाता। शराब को लेकर क्या कहेंगे, जो पुरानी पॉलिसी थी उसको फिर से लगा जाए? शराब पे बंद होने से आप खुश हो? नहीं बताओ, खुश हो आप ये बताओ, खुश हो दुखी हो शराब बंद होने पर?
क्या चीज़? खुश हो दुखी हो ये बताओ। नहीं खुश हो ये दुखी हो ये बताओ। शराब शराब पहली बात तो ये है कि क्या केजरीवाल ने शराब बंद करवा दी, सारी दुकानें बंद करा दी या निर्णय लिया उसने क्या किया? उसने क्या किया? पहले वाली जो यथा स्थिति थी वही स्थिति रहेगी। अब प्राइवेट की बजाय सरकारी सरकारी ठेके खुलेंगे। जहाँ पर शराब बंद है, जहाँ पर शराब बंद है वहाँ जहर मिल रहा है, होनी ही चाहिए। जहाँ शराब बंद है वहाँ जहर मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बोल रहे आप? हाँ, गुजरात में शराब, गुजरात में आजादी के टाइम से बंद है। आजादी के टाइम से बंद है, इसका मतलब 75 लोग मर गए गुजरात की बात कर रहे हो, जहाँ पे बीजेपी की सरकार जवाब दे है इसका। क्या नहीं 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 मैं यही बात मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैं शराब के विरोध में हूँ, साफ सीधी बात है। बिहार में दारू से लोग मरे वो बिहार सरकार की कमी है, हम मान रहे। बिहार में तो शराब बंदी, बिहार सरकार गुजरात सरकार की कमी है, गुजरात की। अब तुम दिल्ली में बैठे हो तो दिल्ली की बात कर लो या केंद्र की। और कल तक जो राजनीति बदलने आए थे, आजकल वही शराब बांटने लगे। जो कहते हैं कि हम पंजाब में नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली में गली गली में ठेके खुलवा दिए। अच्छा, शराब से तो पैसे, वो अन्ना हजारे की कसम खा के और महात्मा गांधी की फोटो लगा के वो शराब बिकवा रहे हैं। आप नई राजनीति करने आए थे, ये आपकी राजनीति है। गांधी के ही जिले में शराब बिक रही है एरिया में। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप तो सबसे अलग थे पुरानी पॉलिसी से। आप खुश? आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल यही कहते थे हम सबसे अलग है, हम कट्टर ईमानदार है। आपका कट्टर ईमानदार 45 दिनों से जेल में बंद है और आपने उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया, ये आपकी कट्टर ईमानदारी है। आप कहते हैं